मॉर्निंग गाइस, वेलकम वेलकम टू माय चैनल फूड सफारी बाय विरेन। मैं विरेन आज आया हूँ पुणे के बाल गंधर्व के बाजू में जो चोसी वड़े वाले हैं वहाँ पे, और मैं आज आपके लिए वड़ा पाव का रिव्यू करने वाला हूँ। अगर आप पुणे में आए हो और आपको पुणे में बेस्ट वड़ा पाव खाना है तो मैं आपको बताऊँगा कि पुणे के टॉप 3 वड़ा पाव कौन से हैं, वहाँ पे आप जाके खा सकते हो। तो आज मैं जोशी वड़े वाले के यहाँ पे आया हूँ और ये पुणे में बहुत फेमस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही अच्छी अच्छी पोस्ट के बारे में आपको पता चलते रहे। सो लेट्स स्टार्ट। आके टेस्ट करते और मैं बता था उसका टेस्ट कैसे। इसका पाव भी बहुत सही है, सॉफ्ट है। अंदर का जो आलू का पैटी है वो भी बहुत सही है। ओवरऑल इसका टेस्ट बहुत सही है। अगर आपको ट्राई करना है, अगर आप पुणे में आए हो तो यहाँ पे आके आप खा सकते हो। अगर आपको उसके साथ मिर्ची खाना पसंद है तो मिर्ची भी खा सकते हो। जिनको तीखा खाना पसंद है वो मिर्ची के साथ खा सकते हो, नहीं तो जिनको तीखा खाना नहीं पसंद वो डायरेक्ट खा सकते। तो मेरे हिसाब से बेस्ट वड़ा पाव। ओके, तो हम सेकंड प्लेस पे आए, और जहाँ पे हम आज आए वो है गार्डन वड़ा पाव। अगर वड़ा पाव के लिए पुणे में कोई वड़ा पाव सेंटर फेमस है तो सबसे पहले जबान पे एक ही नाम आएगा, गार्डन वड़ा पाव। और ये बहुत पुराना वड़ा पाव है, दिखने में बहुत सिंपल सा दिखेगा, कोई गाढ़ा है, बट पुणे में अगर वड़ा पाव के लिए कहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ है तो एक ही है, वो गार्डन वड़ा पाव। तो चलिए उसको फटाफट टेस्ट करते हैं। ये वड़ा पाव बहुत बड़ा है, इसका टेस्ट थोड़ा अलग है, क्रंची है। इसका जो आलू का पैकिंग है वो बहुत सही है, पाव तो बहुत बड़ा है। ओवरऑल इसका टेस्ट, मैंने जितने भी वड़ा पाव खाया है ना पुणे में, सबसे बेस्ट वड़ा पाव है, नो डाउट। आप एक बार तो आपने खाया होगा, अगर आप पुणे में रहते हो और वड़ा पाव के आप फैन हो तो आपने गार्डन वड़ा पाव पक्का खाया होगा। अगर आप पुणे में नहीं हो और पुणे में आते हो तो यहाँ पे आके आपको गार्डन वड़ा पाव ट्राई करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो इंटरनेशनल लोग जो जोग्राफी और ये वाले होते हैं चैनल वाले, उन्होंने भी आके यहाँ पे वीडियो शूट की है। तो बेस्ट वड़ा पाव इन पुणे मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट वड़ा पाव ये है, जिसके लिए एक थम्स अप तो बनता है। ओके, आप यहाँ पे कब से आ रहे हो और आपका ये गार्डन वड़ा पाव का बेस्ट पार्ट क्या लगता है? सबसे बेस्ट पार्ट है इसका वड़ा, हाँ, और जो पाव I it's almost 3-4 years. Okay. We are coming here and it's very good experience also. And as you all know that shop ke look pe mat jao, taste pe jao. So abhi tak humne jitne bhi vada pav khaye, so this is the best. Yes. It's good. Chutney wise it's something different. Jo local vada pav hote hain unse. It's nice. Since 4-5 years we are having it. Okay. आपको पुणे में सबसे बेस्ट मतलब यहाँ पे अच्छा लगता है या और कोई है आपके नज़र में? बहुत सारे हैं, जैसे कहा चटनी से थोड़ा डिफरेंट टेस्ट आता है और इनका वड़ा भी सबसे बड़ा होता है, तो फिलिंग भी होता है, टेस्ट वाइज भी वो अच्छा होता है, सिंपल होता है। नॉर्मली बहुत सारे लोग स्पाइसी चटनी डाल देते हैं, ओके, वो हेल्दी नहीं होती और उतनी अच्छी भी नहीं लगती, ये अच्छी लगती है। ओके, तो आज हम आए, जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ पे माही को जो है कोसी में लोकेटेड है, और ये जो आज तक दूसरा जो हमारा काफ़ी का बेस्ट वड़ा पाव है पूरे, तो ये तीसरा वड़ा पाव है और जो इससे फटाफट देखते हैं। Thank you.
स्पाइसी है, पाव का बन भी अच्छा है, बड़ा भी बहुत सही है, इसके साथ दूसरा चटनी का भी चटनी वो भी बहुत सही है, तो ओवरऑल इसका टेस्ट बहुत सही है। तो ये थे आज के पुणे के टॉप 3 वड़ा पाव। तो आप मुझे बताइए आपको ये कैसे लगा। जो पहला मैंने वड़ा पाव किया था जोशी वड़े वाले, वो पुणे के बाल गंधर्व जेएम रोड पे है, और सेकंड वन किया था गार्डन वड़ा पाव, वो पुणे के कैंप इलाके में, और थर्ड जो किया वो माई वड़े वाले जो कि भोसे में लोकेटेड है। मेरे हिसाब से गार्डन वड़ा पाव सबसे बेस्ट है, बहुत पुराना है और उसका टेस्ट भी बहुत सही है। आप यहाँ पर पुणे में रहते हो या पुणे से बाहर से आते हो और आपको वड़ा पाव खाना है, तो आप वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हो, वहाँ पे जाके आप टेस्ट कर सकते हैं, डेफिनेटली आपको अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक मारिए, अपने दोस्त और फैमिली में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट अच्छी रेसिपी के साथ, मैं वीरेन आपके लिए लेके आऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।